भाई, तो आवाज आ रही है क्या सबको? जरा एक बार बताओ, आवाज आ रही है? हाँ तो बताएंगे, जरा आवाज आ रही है क्या सबको? जरा एक बार मेरे को बताओ, ऑडिबल हूं क्या? ठीक है, ऑडिबल हूं। ठीक है, बहुत परफेक्ट। तो शुरू करें, क्या बोलते हो? शुरू करें, क्या बोलते हो? झेल लोगे आज एयरपोर्ट? एयरपोर्ट झेल लोगे? ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू अड्डा 24/7। ठीक है, तो आगे बात करना शुरू करते हैं। तो एक बार आप लोग जहां पर भी अवेलेबल हो, जहां पर भी आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप्स या जो भी ये जगह है, वहां पे एक बार सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, वहां पे एक बार सेशन को शेयर कर दो, ताकि हमारे जितने भी चीते हैं जो देख रहे हैं, जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सर एयरपोर्ट पढ़ना है, ठीक है, एयरपोर्ट पढ़ना है और बहुत ही गजब तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो मैं हमेशा से बोलते हुए आया हूं कि हर चीज का एक स्पेसिफिक टाइम रहता है। ठीक है, हर चीज का एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, वो टाइम आएगा तब पढ़ाऊंगा वो चीज। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि अब यहां से जब पढ़ के जाओगे और 2 महीने के अंदर जब रिवाइज करते हुए एग्जाम दे रहे होगे, तो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर रहे होगे यहां से। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स यहां से गेन कर रहे होगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी बातों को। ठीक है, तो सब लोग फुल एनर्जी में हो, फुल ऑन एनर्जी में हो, शेयर कर दिया होगा जहां पर भी अवेलेबल हो, लाइक करते जाना सेशन को साथ में, और फिर हम अपनी बातों को शुरू करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं हमेशा एक बात बोलते हुए आया हूं, तो वो ये है कि क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। हमेशा बोलते हुए आया हूं कि यार बहुत ज्यादा फोकस जो आपको करना है, इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ लेक्चर्स देखने से बेटर है कि जो क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है उसको देखना प्रेफर करो। और ये बात मैंने नहीं बोली थी, ये बात सर स्टीव जॉब्स ने बोली थी। और उन्होंने बोला कि इट इज बेटर टू गेट अ होम रन इंस्टेड ऑफ दो दो, मतलब एक चौका मार दो वो ज्यादा बेटर है करके एक एक, एक रन भागने से। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट है ट्रांसपोर्टेशन एनवायरमेंट का, फुल मून नाइट क्लास प्लीज। यार फुल मून नाइट लेंगे, अभी तो वापस आया हूं, रिवाइव तो करने दो थोड़ा सा, थोड़ी सी तबियत खराब थी आपको पता है, वापस आया हूं, फुल फॉर्म में लेके जाऊंगा 23 तक, इस बात की गारंटी है मेरी, है ना, गेट 23 तक मैं लेके जाऊंगा, इस बात की श्योरिटी है मेरी सर। ठीक है, ठीक है, तो जैसे पेड में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे। आप बताना कि कैसा पढ़ाया है। ठीक है, आप बताना कि कैसा पढ़ाया। आज तो इंट्रोडक्शन है, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करूंगा कि तुम लोग घबरा जाओ, बट स्टिल फिर भी बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पे होने वाला है, और जिसमें कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि इसमें से 2 नंबर का आता ही आता है एग्जाम में, और ये 2 नंबर आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। ठीक है, आप YouTube वाले स्टूडेंट हो तो भी आप लोगों के लिए गिफ्ट है, पेड वाले स्टूडेंट लोगों के लिए तो है ही। ठीक है, तो चलिए आइए और बात करते हैं। तो मैंने बोला यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूं आपको, अड्डा 24/7 का ऐप आप लोगों को बोला जाता है डाउनलोड करने को, रीजन बीइंग क्योंकि इतनी सारी एग्जाम्स आ रही है, स्टेट एग्जाम्स है, अभी बहुत सारी एग्जाम्स आपको देखने को मिली है, HPCL है, BHEL है, सब में आपको अपने स्टेट्स का कुछ कुछ देखने को मिलता है, इंग्लिश देखने को मिल रहा है, रीजनिंग देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एक इंजीनियर जो कि टेक्निकली तो इस चैनल पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है, अगर नॉन टेक की बात आ रही है तो ऐप को जरूर डाउनलोड करके रखो। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे क्विजेज मिल जाएंगे आपको, आपके स्टेट के रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अड्डा का ऐप आपको डाउनलोड करना है। दूसरा, अगर आप में से कोई भी बालक ऐसा है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वहां ना एक घंटी बनी होगी उसको बजा दो, ताकि मैं जब भी क्लास लूं तो आपके दिमाग की घंटी बजे कि यार चलो पढ़ने चलते हैं। ठीक है, चलो पढ़ने चलते हैं, ये आपके दिमाग की घंटी बजना चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। चलिए आइए, ये भी बात हुई, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करना, चालू करें, सब लोग तैयार हो, चालू करें, सब लोग तैयार हो। तो अब क्या चाहिए, हो गए हमको 3 मिनट बात करी है मैंने अभी तक आपसे, 4 मिनट बात करी है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि एक भी स्टूडेंट एक भी मिनट के लिए आप कोई भी नोटिफिकेशन को ओपन नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन आपके चैनल पे, आपके मोबाइल पे आ रही होगी, उसको ओपन नहीं करेंगे, एक भी मिनट के लिए क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, एक भी मिनट के लिए क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ना चालू करते हैं, चलिए आइए। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आपके गेट के सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, आपके गेट के सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, एयरपोर्ट के बारे में क्या बता रखा है। तो आपके गेट के सिलेबस में एयरपोर्ट की बात करूं तो बहुत ही स्पेसिफिक चीजें दे रखी है। लेकिन क्या सर मेरे को यही बहुत स्पेसिफिक चीजें देखना है? नहीं, मैं जो बताऊंगा उस बात पर फोकस करना है। ठीक है, मैं जो बताऊंगा उस बात पर फोकस करना है। तो चलो आओ देखो, यहां पर मैंने जो आपसे बात करी, तो मैंने बोला आप लोगों का अगर सिलेबस वाइज जाओगे तो सबसे पहले बताया है कंसेप्ट ऑफ एयरपोर्ट रनवे लेंथ। तो एयरपोर्ट रनवे लेंथ के बारे में बात करी है इन्होंने। ठीक है सर, दूसरी जो बात करी है वो कैलकुलेशन एंड करेक्शंस की बात करी है रनवे लेंथ के लिए।
कैलकुलेशन एंड करेक्शंस की बात करी है, तीसरी जो बात करी है यहाँ पे टैक्सी वे के बारे में बात करी है, और चौथी जो बात करी है वो एग्जिट टैक्सी वे डिजाइन के बारे में बात करी है। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाते हो तो सिर्फ आपको चार टॉपिक पढ़ना है, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाते हो तो केवल आपको चार टॉपिक पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर जब तक मैं आपको कुछ ऐसी बातें नहीं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझ ही नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है कि जब मैं आपको इन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा तो बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा, ताकि आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको एयरपोर्ट जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मेरा नाम लेना और टिक करना कि सर मार दिया करेक्ट आंसर, ठीक है? तो बस ये चाहता हूं। तो एक भी मिनट के लिए अब हम क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। ये चार टॉपिक आप गेट के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, लेकिन इन टॉपिक्स को कनेक्ट करती हुई बातों को मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है? इन टॉपिक्स को कनेक्ट करती हुई बातों को जरूर डिस्कस करूंगा। चलिए आइए बात करते हैं। तो ये तो रहा सिलेबस, जैसा कि आपने देखा, और ये हमारा एरोप्लेन भी उतर रहा है, ठीक है? तो चलो अब बात करते हैं। सबसे पहला जो बात होती है दैट इज अबाउट द डेफिनेशन, कि भाई एयरपोर्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है, एग्जैक्टली हमारा एयरपोर्ट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है आपसे। तो मैंने बोला अगर मैं एयरपोर्ट के डेफिनेशन की बात करता हूं आपसे, तो हमेशा बोला जाता है कि एयरपोर्ट इट इज अ स्ट्रक्चर विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ एयरपोर्ट विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मतलब क्या होता है? तो एयरक्राफ्ट मतलब होता है एरोप्लेन। एयरक्राफ्ट का मतलब हम हर जगह अब आगे से सिविल इंजीनियर हैं क्योंकि हम, तो हम आगे से हर जगह एयरक्राफ्ट बोलेंगे। तो एयरक्राफ्ट का मतलब होगा ये एरोप्लेन। और जब हम बात करेंगे एयरपोर्ट की तो वो जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो यहां पे स्ट्रक्चर विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के मूवमेंट की बात कर रहा है। सर मूवमेंट मतलब क्या क्या हो सकता है? तो मैंने बोला अगर आपसे कभी भी मूवमेंट की बात कर रहा है तो दो तरीके से इस मूवमेंट को देखूंगा मैं। पहला मैंने बोला कि पहला मूवमेंट के बारे में अगर बात कर रहा है तो मैं टेक ऑफ की बात करता हूं। मूवमेंट की बात कर रहा है तो मैं किसकी बात करूंगा? टेक ऑफ की बात करूंगा। अब सर टेक ऑफ मतलब क्या? तो टेक ऑफ मतलब यह कि आपका प्लेन यहां से हवा में उड़ने की कोशिश करना चाहता है, ठीक है? आपका प्लेन यहां से हवा में उड़ने की कोशिश करना चाहता है, इसको हम टेक ऑफ बोलते हैं। दूसरी बात जो मूवमेंट की बात होगी वो लैंडिंग की बात होती है। दूसरी बात जो आपसे मूवमेंट की बात होगी वो किसके बारे में होगी? लैंडिंग के बारे में। लैंडिंग मतलब आपका प्लेन जब नीचे आ रहा होता है हवा में से, उसको हम लैंडिंग बोलते हैं। तो टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है, लोग कंफ्यूज होते हैं, बट आपको नहीं होना है, ठीक है? तो फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है मतलब उड़ने वाली है, फ्लाइट लैंड होने वाली है मतलब नीचे आने वाली है। तो व्हेन विल यू स्टार्ट योद्धा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग सीरीज? सर साथ साथ में नोट कर लें, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, साथ साथ में अगर आप नोट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। पीडीएफ दोगे? पीडीएफ तो दूंगा, लेकिन ये बातें नहीं लिखी होगी ना पीडीएफ में, टेक ऑफ नहीं लिखा होगा, लैंडिंग वर्ड नहीं लिखा होगा, तो फिर क्या करोगे पीडीएफ का, है ना? तो बेटर है कि आप साथ में नोट करते जाइए। जब मैं बोल रहा हूं कि पेड क्लास जैसा पढ़ा रहा हूं तो हर एक बच्चे को क्या करना है? नोट करना है। अपने पास एयरपोर्ट्स के नोट बनाइए। सर 2 दिन पहले एयरफोर्स डे भी था, पता है मेरे को यार, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया यहां पे, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया? तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट इज नोन एज एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है? आपका टेक ऑफ हो रहा है, लैंडिंग हो रहा है, ठीक है? क्या सर और कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है एयरपोर्ट? मैंने बोला बिल्कुल प्रोवाइड करता है और भी सर्विसेज। जैसे कि और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा आपका एयरपोर्ट? तो मैंने बोला अगर आप एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे हो तो ये और कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा? तो मैंने बोला और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एयरपोर्ट पे? तो मैंने बोला जैसे कि आपको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आपको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, तो जितने भी एयरक्राफ्ट आएंगे वो वहां आके रुकेंगे, उसी को बोला जा रहा है, ठीक है? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, ठीक है? तो मैंने आपसे क्या बोला, मैं बस ये चाह रहा हूं एक भी मिनट के लिए क्लास से बाहर मत जाओ। देखो हम ना 10 से 12 क्लास लेंगे एयरपोर्ट रेलवे मिला के, टोटल 15 क्लासेस मान लो, 15 से 20 घंटे पढ़ाऊंगा और उसमें मैं आपके 4 नंबर पक्के करवा दूंगा। तो मेरे को लगता है यार गेट एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स इज अ बिग डील, और कोई आपको अगर केवल 15 से 20 घंटे में अगर इस लेवल पे पहुंचा देगा तो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, है ना? ये बहुत बड़ी बात है, तो इसको बस फोकस में रखो, ठीक है? इसको बस फोकस में रखो, ठीक है, है ना? इसको बस फोकस में रखो। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या बोल दिया? शेल्टर बोल दिया है।
तो सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? तो मैंने बोला सर्विसेज में शेल्टर प्रोवाइड कर दिया। दूसरा मैंने बोला रिपेयर का भी जो सर्विसेज होता है वो भी आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिलेगा। मैंने बोला थर्ड आपको कार्गो देखने को मिलता है यहाँ पे। कार्गो मतलब जब यहाँ पे आपके दूसरे दूसरे एलिमेंट्स को यहाँ पे चढ़ाया जाता है, क्योंकि आपने देखा है ना फ्राइट कॉरिडोर, मतलब बोला जाता है करके कि जितना भी ट्रैवलिंग पैसेंजर तो मूव करते ही है, साथ में गुड्स को भी ट्रैवल कराया जाता है, ठीक है, साथ में गुड्स को भी ट्रैवल कराया जाता है, ठीक है। फोर्थ मैंने बोला पैसेंजर्स को ट्रैवल कराया जाता है। फोर्थ मैंने बोला आपसे पैसेंजर्स को ट्रैवल कराया जाता है। तो दीज आर दी सर्विसेज विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय दी एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज है जो आपको देखने को मिलेगी। मैंने बोला सबसे मेन काम तो मूवमेंट था, टेक ऑफ और लैंडिंग। उसके बाद जो दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई वो जैसे कि शेल्टर प्रोवाइड किया गया, रिपेयर प्रोवाइड किया गया, कार्गो प्रोवाइड किया गया, पैसेंजर्स को वहां पे वो किया गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने देखी, बहुत ही परफेक्ट। अब अगर आपने ये बातें देख ली है तो थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं। नाउ दिस थिंग इज, सेकंड थिंग इज क्लासिफिकेशन। अब सर ये एयरपोर्ट को क्लासिफाई कैसे किया गया ये तो बताओ। अब ये एयरपोर्ट को क्लासिफाई कैसे किया गया? तो मैंने बोला एयरपोर्ट को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। आप कैसे बताओगे कि कौन से एयरपोर्ट की बात हो रही है? आप कैसे बताओगे कि कौन से एयरपोर्ट की बात हो रही है? आप कैसे पता करोगे कि कोई एयरपोर्ट बड़ा एयरपोर्ट है? भैया हम लोग जब भी आप अभी अपने ग्रोइंग स्टेज में हो, जब आप थोड़ा सा अपने बिजनेस में आ जाओगे, अपने जॉब्स में आ जाओगे, कोर जॉब्स में आ जाओगे, भाई पीएसयूज में लग गए हो, ट्रैवल करना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करना है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, कितनी देर चलेगा ये क्लास? आज इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा सा छोटा रखेंगे, हाफ एन आवर 40 मिनट्स के आसपास रखेंगे। कल से 9 बजे जब ये क्लास होगी, सॉरी कल से ये क्लास को हम 10 बजे रखेंगे, और ये जो 10 बजे क्लास होगी 10 से 11 डेली एक घंटे, एक से डेढ़ घंटा क्लास चलेगी, ठीक है, क्योंकि 5 से 9 हमारे पेड वालों की 5 से 10 क्लास चलती, 6 से 10 क्लास चलती है, तो 10 बजे से ये क्लास को रखेंगे 10 से 11, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आई। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हाँ, जब आप ट्रैवल करोगे एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ये जब आप ट्रैवल करोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि कोई एयरपोर्ट को आप कैसे मेंशन करते हो कि एक बड़ा एयरपोर्ट है, ये एक छोटा एयरपोर्ट है, यहां पे ऐसी चीज हो रही है और यहां पे वैसी चीज हो रही है, ये कैसे करोगे। आई हैव अटेंडेड प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस एंड दे आर रियली अमेजिंग, वांट टू थैंक यू सो मच नेत्र, ठीक है ये बात तो समझ में आई। आपकी तबीयत खराब थी? यस बिल्कुल खराब थी यार, ठीक है। अभी पढ़ते हैं मजा आएगा। एक 40 मिनट मेरे को दो अपने एंड का, अपने एंड से मेरे को 40 मिनट दो, यू गाइस विल लव इट, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको प्यार कराऊंगा एयरपोर्ट से, यू गाइस विल लव इट, ठीक है। 15 से 20 लेक्चर्स को मेरे साथ रहो, है ना, इस 15 से 20 में एक भी लेक्चर आपका छूटना नहीं चाहिए, बस तो मैं गारंटी दे पाऊंगा कि यू गाइस विल फॉल इन लव विद मी, ठीक है। तो मैंने बोला क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ कि हम लोगों को कैसे कैसे एयरपोर्ट को डिफाइन करना है? तो मैंने आपको बोला कि हम क्लासिफाई, जो भी एयरपोर्ट को क्लासिफाई करते हैं वो दो तरीके से एयरपोर्ट को क्लासिफाई करते हैं। पहला तरीका मैंने बोला, पहला तरीका बोलता है FAA, ठीक है। FAA, FAA का फुल फॉर्म क्या है? ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट है अभी इसी में अवेलेबल है, उसने मेरे को बताया था कि जब वो DFCCIL का पेपर देने गई थी तो मैंने एक पिचिंग करके एक चीज बताई थी, आपको भी बताऊंगा आज, ठीक है। तो पिचिंग करके जब मैंने चीज बताई थी तो वहां पर जरूर पूछी गई थी, इसीलिए ये छोटी छोटी बातों को भी याद रखेंगे आप लोग। तो मैंने बोला सबसे पहले FAA, तो FAA का फुल फॉर्म क्या है? फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। FAA का फुल फॉर्म है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ टीचर इसको फेडरल एविएशन एजेंसी भी बोलते हैं, कुछ टीचर और कुछ एग्जाम्स में आपको ये फेडरल एविएशन एजेंसी भी देखने को मिलेगा, ठीक है सर, ठीक है। तो फेडरल एविएशन एजेंसी भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, ये सर किसने डेवलप किया, ये FAA कहां से आया? तो मैंने बोला ये US एयरफोर्स ने इसके हिसाब से डिजाइन करना चालू किया था। तो US एयरफोर्स ने इसको डिजाइन करना चालू किया था, US एयरफोर्स ने इस तरीके से डिजाइन करना चालू किया था, या उन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई किया चीजों को, ठीक है सर। अब देखिए जरा यहां पे इन्होंने दो तरीके से क्लासिफाई किया है, एक बोला है प्राइमरी एयरपोर्ट और दूसरा तरीका जो बोला गया है आपसे दैट इज नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट। दो तरीके के एयरपोर्ट्स के बारे में बात करी गई है, पहला बोला गया आपसे प्राइमरी एयरपोर्ट और दूसरा बोला गया नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट क्लास है, यस फर्स्ट क्लास है, ठीक है।
तो ये फर्स्ट क्लास है। तो मैंने बोला देखो यहां पे FAA ने दो तरीके से आपको डिफाइन किया, अब प्राइमरी एयरपोर्ट का मतलब उनके हिसाब से क्या है। तो प्राइमरी एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट है जहां पे आपके नंबर ऑफ बोर्डिंग्स, याद रखना कैसे कैसे एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मैंने बोला जहां पे आपको नंबर ऑफ बोर्डिंग्स जो है, नंबर ऑफ बोर्डिंग्स जो है वो अगर आपको 10,000 से ज्यादा देखने को मिलती है पर साल, 10,000 पर ईयर, साल में आपको ये अगर आपसे 10,000 से ज्यादा देखने को मिलती है, ग्रेटर देन 10,000, तो आप इसको बोलते हो प्राइमरी एयरपोर्ट। तो आप इसको क्या बोलते हो? प्राइमरी एयरपोर्ट, ठीक है? तो आप इसको बोलते हो प्राइमरी एयरपोर्ट इफ नंबर ऑफ बोर्डिंग्स इज ग्रेटर देन 10,000। और अगर नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट की बात करूं तो इन्होंने बोला, सॉरी, अगर मैं नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट की बात करूं तो इन्होंने बोला कि जब आपके नंबर ऑफ बोर्डिंग्स, जब आपके नंबर ऑफ बोर्डिंग्स जो होगी वो लेस देन 10,000 होगी, वो लेस देन 10,000 होगी, तो आप इसको बोलोगे एक साल में 10,000 से कम लोग होंगे, तब आप इसको बोलोगे नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट। अब आप में से कुछ बालक ऐसे होंगे या कुछ बालिकाएं ऐसी होगी, सर इट विल कंटिन्यू, यस इट विल कंटिन्यू, ठीक है, डेली अगले 10 दिन तक आपको रात में 10 बजे मेरे साथ रहना है, ठीक है, 10 बजे रहना है, आज 9 बजे लिए क्लास, कल से 10 बजे होगी, तो आपको पूरे टाइम रहना है, और शुरू से मतलब ये सेशन जब बन जाया करेगा तो पहले से ही लाइक करना है, अपना टारगेट रहेगा डेली 50 लाइक के ऊपर रखेंगे अपन, और डेली 50 लोगों से ज्यादा देखेंगे। मैं बोल रहा हूं आपको कि इस बात की श्योरिटी कि आपको एयरपोर्ट और रेलवे से एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। YouTube के योद्धा वाली सीरीज इन्वायरमेंट के लिए अगर आप बोल रहे हो तो आई विल टेक इट इन दी फुल मून नाइट सेशन, है ना, परेशान मत हो एंडी, परेशान मत हो, आई विल टेक इट इन दी YouTube के योद्धा वाली सीरीज में, ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा फास्ट वे में आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो मैंने बोला अब आप लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे जो आप लोग हो, है ना, तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट आ रहा होगा कि सर नंबर ऑफ बोर्डिंग्स का मतलब क्या है यहां पे, ठीक है, तो नंबर ऑफ बोर्डिंग्स का मतलब है यहां पे, कुछ लोग इसको बोर्डिंग बोलते हैं, कुछ किताबों में आपको ये पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, कुछ किताबों में आपको ये क्या लिखा हुआ दिखने को मिलेगा, बोर्डिंग की जगह पॉपुलेशन, या कुछ टीचर्स इसको अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी बोल देते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी बोल देते हैं, ठीक है, कुछ टीचर्स इसको अपनी सहूलियत के लिए नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी बोलते हैं। सर पैसेंजर्स का मतलब क्या है यहां पे? तो मैंने बोला यहां पे मैंने ये डायग्राम इसीलिए बना रखा है कि इसको बोलते हैं बोर्डिंग, देखो इसको बोलते हैं बोर्डिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं बोर्डिंग कि आप लोग, लोग जितने भी लोग यहां पे ट्रैवल कर रहे होंगे तो कितने लोग वहां पे ट्रैवल करते हैं, मैं स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूं कि कितना स्टाफ है वहां पे, मैं बात कर रहा हूं कितने लोग हैं वहां पे, पैसेंजर्स, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट से। तो अगर एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट, मैंने बोला दिल्ली का एयरपोर्ट मान लेते हैं, तो अगर दिल्ली के एयरपोर्ट से नंबर ऑफ पैसेंजर एक साल में 10,000 से ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो वो प्राइमरी एयरपोर्ट है अकॉर्डिंग टू FAA। और अगर वही बात कर रहा हूं कि अगर वो 10,000 से कम है नंबर ऑफ पैसेंजर्स तो हम एक साल में, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप? पेड़ में जो रेलवे एयरपोर्ट पेड़ में होगा, बिल्कुल होगा, प्रैक्टिस, तो मैं चाहता हूं कि अभी यहीं से पढ़ लो, प्रैक्टिस जरूर करेंगे हम वहां पे, ठीक है, ठीक। चलिए आइए और बात करते हैं। तो ये हुई बात किसके बारे में? फेडरल एविएशन एजेंसी के बारे में या फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दूसरा तरीका देखते हैं कि कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो दूसरा तरीका देखते हैं कि कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो जो सेकंड तरीका है आप लोगों का क्लासिफाई करने का एयरपोर्ट, दैट इज ICAO। ICAO का फुल फॉर्म बताइए, तो बोला इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। भाई अब क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ, तो मैंने यहां पे बात करी आप लोगों से कि ICAO का फुल फॉर्म बताइए, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है यार कि हम ना, पहले तो FAA आया और FAA में उन्होंने क्या किया कि US गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से डिफाइन करना स्टार्ट किया, लेकिन हमको चाहिए था कि एक ऐसा, क्योंकि आपकी फ्लाइट इंडिया से दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल हो रही है, दूसरी कंट्रीज से इंडिया में ट्रैवल हो रही है, इंटर सिटी भी ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, तो भाई ये बहुत ज्यादा दिक्कत हुई कि एक ऐसा एविएशन सिस्टम होना चाहिए जो हम लोगों को एक यूनिवर्सल बात करे, हम लोगों से, जो हम लोगों से एक यूनिवर्सल बात करे।
और उस यूनिवर्सल बात करने के लिए हम लोगों ने यहां पे क्या किया, हम लोगों ने एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो सारी पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में सेम तरीके से चीजों को डिफाइन करने लगी, जो सेम तरीके से चीजों को डिफाइन करने लग गई। तो चलिए आइए यहां पर पहला देखते हैं कि इन्होंने दो तरीके से डिफाइन किया है चीजों को, ठीक है, इन्होंने दो तरीके से अपनी चीजों को डिफाइन किया है। पहला तरीका इन्होंने बोला इट इज बेस्ड ऑन द रनवे लेंथ, ठीक है, पहला तरीका इन्होंने बोला कि इट इज बेस्ड ऑन द रनवे लेंथ। अब आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला थॉट जो आया होगा, क्योंकि आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि ये किस हिसाब से डिजाइन कर रहा है, आप लोगों के दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया होगा कि रनवे क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया होगा कि रनवे क्या होता है। मेरे दिमाग में भी आया था जब मैं पढ़ रहा था, तो है ना, कोई मेरे से बोलेगा कि आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में मेजर की जाएगी, तो मैं सबसे पहले यही देखूंगा कि सेंटीमीटर मतलब क्या होता है ना, सेंटीमीटर मतलब क्या होता है। ठीक है सर, ठीक है, तो मैंने बोला यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ रनवे लेंथ इन्होंने चीजों को डिफाइन किया। अब मैं पहले यह दिखा देता हूं कि रनवे क्या होता है, ठीक है, पहले आपको यह दिखा देता हूं कि रनवे क्या होता है, सिर्फ इमेज में दिखा देता हूं, रनवे को डिजाइन करेंगे हम बहुत अच्छे से, ठीक है, रनवे को आगे डिजाइन बहुत अच्छे से करेंगे, बिल्कुल डिजाइन करेंगे, बट बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, तो बेसिक हम आपको बता देते हैं यहां पर, जहां से प्लेन जाते हैं वो रनवे, ठीक है, बहुत परफेक्ट। तो ये लीजिए जरा, देखो जरा यहां पर रनवे मैंने आप लोगों के लिए डिफाइन कर रखा है यहां पर। तो ये जो देखते हो, जब आपका फ्लाइट टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, तो ये जो आपको यहां पे दिख रहा है इसी को हम रनवे बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग मार्किंग्स भी होती है, उन मार्किंग्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बट स्टिल अभी मैंने आपको यहां पर रनवे का इमेज दिखा रखा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है ना, ये फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है, देखो ये फ्लाइट आपकी टेक ऑफ हो रही है, ये टेक ऑफ इसी रनवे पे होता है या लैंडिंग इसी रनवे पे आपको देखने को मिलती है, क्लियर है ये बात। तो इसको हमने बताया कि रनवे क्या है, ठीक है, और रनवे की लेंथ के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, आईसीएओ ने आपके जो एयर आपका जो एयरपोर्ट है वो डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ रनवे लेंथ, कि आपका वो बड़ा एयरपोर्ट है छोटा एयरपोर्ट है वो कैसे डिफाइन किया गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ रनवे लेंथ डिफाइन किया गया। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो बेस्ड ऑन द रनवे लेंथ, तो यहां पे उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, तो यहां पे उन्होंने न्यूमेरिक कोड लिए, न्यूमेरिक कोड मतलब 1, 2, 3, 4 लिया, 1 से लेके 4 तक उन्होंने एक नंबर दिया कि 1 नंबर एयरपोर्ट, 2 नंबर एयरपोर्ट, 3 नंबर एयरपोर्ट, 4 नंबर एयरपोर्ट। अब ये 1 नंबर का मतलब क्या है यहां पर, तो 1 नंबर का मतलब है 1 is for the least basic रनवे लेंथ। अगर आपकी रनवे लेंथ, और देखो हर एयरपोर्ट का रनवे लेंथ डिफरेंट होता है, एक और चीज याद रखना, हर एयरपोर्ट का रनवे लेंथ डिफरेंट होता है, तो इट माइट बी पॉसिबल आपकी जो सिटी में रनवे लेंथ हो वो डिफरेंट हो, दिल्ली का रनवे लेंथ डिफरेंट हो, बेंगलोर का रनवे लेंथ डिफरेंट हो, मुंबई का रनवे लेंथ डिफरेंट हो, और उसी बेसिस पे उसको 1, 2, 3, 4 में कैटेगराइज किया जाएगा, उसी के बेसिस पे उसको 1, 2, 3, 4 में कैटेगराइज किया जाएगा। तो इन्होंने बोला 1 for the least basic रनवे लेंथ, 1 मतलब आपका सबसे छोटा रनवे लेंथ है और 4 मतलब आपका सबसे बड़ा रनवे लेंथ है, ठीक है, 1 मतलब सबसे छोटा रनवे लेंथ है और 4 मतलब, ठीक है, और 4 मतलब आपका सबसे छोटा रनवे लेंथ है। तो मैंने यहां पे बताया कि 1 for the least basic रनवे लेंथ मतलब 800 मीटर से कम, और जब हमने बात करी यहां पे 4 is the longest रनवे लेंथ मतलब 1800 मीटर से ज्यादा। तो अगर आपका रनवे लेंथ 800 मीटर से कम है तो उसको 1 नंबर दिया गया, फिर कुछ बेसिक और नंबर्स होंगे जिसके हिसाब से 2 दिया गया, 3 दिया गया, और 4 is for the longest रनवे लेंथ। इस तरीके से इन्होंने आईसीएओ ने अपने एयरपोर्ट्स को डिफाइन किया गया, ठीक है, ठीक है, ठीक सर, ये बात भी समझ में आया। सर इसके व्हील ऐसे ही ओपन होते हैं, हाँ बिल्कुल, अभी हम देखेंगे बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कल बात करेंगे, तो देखेंगे कि इसको लैंडिंग गियर्स बोला जाता है, जो टायर ओपन हो रहे ना भाई, आप क्या एक जनरल इंसान हो, नहीं ना, आप तो एक सिविल इंजीनियर हो, तो यू गाइज आर स्मार्टर देन अदर्स यार, आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाता हूं, आपको हाईवे की लाइट्स बताता हूं, वैसे एयरपोर्ट में जब जब जाओगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नोज गियर है, ये लैंडिंग गियर है, ये क्या क्या है, इसका मूवमेंट एयरोप्लेन का अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है, ऐसा हो रहा है तो क्या है, सारी बात करेंगे आप ना धीरे धीरे देखना, आपको इतना वो कर दूंगा मैं एयरपोर्ट पढ़ाते समय कि आप ना फैन हो जाओगे कि यार क्या चीजें सिखाई है हमको, ठीक है। और आप नॉर्मल नहीं हो अब, तो आपको चीजों को वैसे ही बताना है, आपको रनवे लेंथ बोलना है, आपको जो टायर अंदर बाहर जा रहा है उसको अंदर बाहर टायर नहीं, लैंडिंग गियर बोलना है, ठीक है, तो ऐसे चलना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हुई बात,
तो मैंने बोला न्यूमेरिक डेटा पे उसको हम लोगों ने बेस्ड ऑन द रनवे लेंथ उसको न्यूमेरिक नंबर्स दिए। ठीक है, तो ये तो हुई रनवे के बारे में बात। दूसरा बोला उन्होंने कि बेस्ड ऑन द विंग स्पान एंड आउटर मेन गियर ऑफ व्हील स्पान। अब हमारे लिए क्वेश्चन जनरेट होता है कि यहां पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया उन्होंने आईसीएओ ने। आईसीएओ ने बोला कि इट इज बेस्ड ऑन द विंग स्पान एंड आउटर मेन गियर ऑफ व्हील स्पान, उसके बेसिस पे हम लोगों का दूसरा रनवे डिफाइन किया गया। जैसे वहां पे अल्फा, वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू दी थी, यहां पे अल्फाबेटिकली ए टू ई अरेंज किया उन्होंने, ए बी सी डी ई, है ना। तो ए बी सी डी ई पांच अल्फाबेट्स में उन्होंने यहां पे दिखाया, जिसमें उन्होंने बोला कि ए क्या है, तो ए इज द लीस्ट विंग एंड आउटर मेन गियर व्हील स्पान। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये व्हील स्पान क्या है, लीस्ट विंग क्या है, आउटर मेन गियर क्या है, ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा, तो जिसको हम आगे जस्ट इसके बाद हम वही देखने वाले। तो लीस्ट विंग एंड आउटर मेन गियर व्हील बेस को हमने बोला ए, और मैक्सिमम हाइएस्ट विंग एंड आउटर मेन गियर व्हील स्पान को हमने बोला बी, ठीक है, सॉरी ई बोला। तो ई सबसे ज्यादा विंग स्पान के लिए और ए सबसे कम विंग स्पान के लिए, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। तो चलिए आइए अब हम एयरक्राफ्ट के कंट्रोल, सॉरी एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हम एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे देखा जाता है। तो यहां पे मैं दो एयरक्राफ्ट दिखाऊंगा आपको, एक जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट होता है एक आपका, एक दूसरा जिसमें प्रोपेलर लगा रहता है, आगे आगे पंखुड़ी लगी रहती है ना, ये इसको आप पुराने जमाने का बोल सकते हो, इसको आप नए जमाने का बोल सकते हो। ठीक है सर, तो जब हम यहां पे बात कर रहे हैं तो यहां पे आप लोगों को जो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगा, तो ये एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स आपको कैसे दिखेंगे। ये एयरक्राफ्ट कंपोनेंट वो हैं जो इसको उड़ने में मदद कर रहे होंगे, जो दूसरे एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स बताऊंगा बाद में वो इसके सारे बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, वो इसके सारे बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहां पे देखो जब हम बात करते हैं तो ये जो येलो कलर, सबसे पहले आपको पता है ये पूरी बॉडी है, ये इसका विंग्स है, है ना, ये इसके विंग्स हैं, दोनों साइड आपको विंग्स दिख रहे हैं, पीछे आपको टेल दिखती है और टेल के पास में आपको दो विंग्स और दिखते हैं। ठीक है सर, क्या क्या बोला जाता है इनको, तो मैंने बोला ये जो विंग्स के आगे वाली सरफेस होती है उसको बोला जाता है स्लेट्स। विंग्स के आगे वाली जो सरफेस है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्लेट्स। ठीक है सर, उसको बोला जाता है स्लेट्स। मैंने बोला यही विंग के जो एंड में पोर्शन होता है उसका जो सबसे कॉर्नर वाला पोर्शन होता है, जब आप खिड़की से फोटो लोगे तो उसको बताना कि वो फ्लैप्स हैं, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं फ्लैप्स। ठीक है, उसी के आगे जो, उसी के जस्ट आगे वाली जो सरफेस रहती है, उसी के जस्ट आगे वाली जो सरफेस रहती है उसको हम बोलते हैं स्पॉयलर्स, उसको हम बोलते हैं स्पॉयलर्स, जो रेड के बाद मैंने यहां ग्रीन मेंशन किया है इसको बोलते हैं स्पॉयलर्स। ठीक है, स्पॉयलर्स के बाद ये जो एंड में एक पोर्शन आपको यहां पे देखने को मिलता है, इसके बाद जो एंड में आपको यहां पे पोर्शन देखने को मिलता है, ये देखिएगा एंड में जो रहता है ये आपको लैंडिंग के टाइम पे कई बार देखने को मिलेगा कि ये ऊपर या नीचे हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एलोरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं एलोरेंस। ठीक है सर, मैंने बोला ये तो हुआ जो आपके विंग्स पे है, ये विंग्स पे क्यों है, क्योंकि यही आपको टेक ऑफ करने में और यही आपको लैंडिंग करने में हेल्प कर रहे होंगे, यही आपको टेक ऑफ करने में और यही आपको लैंडिंग करने में इंपॉर्टेंस, ये काम आ रहे होंगे। ठीक है सर, मैंने बोला अब यहां पे टेल पे बात करते हैं, टेल पे क्या है, तो मैंने बोला ये जो टेल होती है उसका जो एंड होता है वो भी मूविंग होता है और उसको बोलते हैं हम रूडर्स, उसको बोलते हैं हम रूडर्स। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये रूडर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एलोरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एलिवेटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट पे मैं आपकी बात करूंगा, इतना डेप्थ में लेके जाऊंगा कि यू गाइज विल लव इट कि यार किसी ने हमको एयरपोर्ट इतने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हुई बात। मैंने बोला अभी ये उड़ता कैसे है मेरे लाल, पहले ये पता कर लें कि इसमें क्या क्या होता है फिर उड़ाएंगे इसको। पहले साइकिल चलाने के पहले बताया होगा ना किसी ने कि ये ब्रेक है, ये पेडल है, ये चेन है ना, तो पहले वो जान लेते हैं कि सीधे साइकिल चलाओ, चलो बैठो और धक्का मारो, नहीं ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हुई बात। तो मैंने बोला ये जो आपको यहां पे दिख रहा है इसको बोलते हैं रूडर्स, जो आपके टेल पे आपको मूविंग पोर्शन देखने को मिलता है उसको रूडर्स बोलते हैं।
टेल के पास में आपको दो फ्लैप्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर्स बोलते हैं, इसमें एलिवेटर्स बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, इसको हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स बोला है, इन्होंने इसको क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। अभी हम बात करेंगे कि इसको हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर क्यों बोला गया। बाकी आपको कॉम्पोनेंट समझ में आए होंगे, फ्लैप बोला, स्पॉयलर बोला, एलोरेंस बोला, रूडर बोला, एलिवेटर बोला। आपको जो तीन मेन कंपोनेंट याद रखने हैं, जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे, वो तीन मेन कंपोनेंट कौन कौन से है ना, वो तीन मेन कंपोनेंट कौन कौन से, तो तीन मेन कंपोनेंट जो आप याद रखोगे यहां पे, वो याद रखोगे एलोरेंस, ठीक है, वो याद रखोगे एलोरेंस, रूडर्स, सेकेंड याद रखोगे रूडर्स, और थर्ड याद रखोगे एलिवेटर्स, सॉरी फोर्थ लिख दिया, थर्ड याद रखोगे एलिवेटर्स। इन तीन से आपकी पूरी कहानी, ये तीन चीजों पे आपकी पूरा एरोप्लेन डिपेंडेंट है, आपका एयरक्राफ्ट का मूवमेंट इन तीन चीजों पे डिपेंडेंट है, एलोरेंस, रूडर्स और एलिवेटर्स, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, तो ये हुई बात। अब यहां पे देखिएगा जरा, तो ये तो था आपका मॉडर्न मॉडर्न एयरक्राफ्ट, मैंने बोला मॉडर्न एयरक्राफ्ट के अलावा ये आपका जो पुराने टाइप का एयरक्राफ्ट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखना जरा यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा जरा हम यहां पे क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं यार, एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं क्यों बोलता हूं किसी भी सेशन के पहले कि एक भी मिनट के लिए आप क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, उसका रीजन ये होता है कि आपको लगता है कि यार बहुत बेसिक सी बात बताई जा रही है, अभी देख लेते करके क्या मैसेज आया या क्या आया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत छोटी छोटी बातें जो है, ये जब एग्जाम्स में पूछी जाती है ना, तो आपको समझ नहीं आता है कि यार ये कहाँ पे बोली गई थी, तब आपको याद, रिमेंबर, रिकॉल करने में आपको इतना प्रॉब्लम होता है कि आप खुद नहीं सोच सकते हो एग्जाम में जब प्रेशर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी बातों को बिल्कुल फोकस से सुनते रहना है, एक भी मिनट के लिए क्लास से बाहर नहीं जाना है, और हर छोटी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहना है, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, इंजन का क्या काम है इसमें। इंजन विंजन का भी आपको कोई काम नहीं है, जो पहले बता रहा हूं कंपोनेंट जानो यहां पे पहले, ठीक है। स्टेबिलिटी की पहले बात करेंगे हम स्टेबिलिटी की पहले बात करेंगे कि कैसे उड़ पा रहे, उसके बाद बात करेंगे कि इंजन से क्या हुआ, ठीक है। ठीक, तो मैंने आपसे क्या बोला यहां पर, अगर आपको समझ में आया तो देखो जरा यहां पर, ये जो आपका पुराने टाइप का एयरक्राफ्ट है सर, ICAO के बारे में किस कंट्री ने बताया था, कोई जरूरी नहीं, इंटरनेशनली एक कमिटी बिठाई गई जिसने हर बारे में बात करके उसको डिफाइन किया, ठीक है। ठीक, तो अब मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, ये देखो जरा यहां पे, जो आगे ये पंखुड़ी लगी रहती है, जो आगे यहां पे पंखुड़ी लगी रहती है उसको बोलते हैं हम प्रोपेलर, ये जो आगे यहां पे पंखुड़ी लगी रहती है उसको हम बोलते हैं प्रोपेलर। यहां पे देखो जरा, यहां पे फ्यूज लैग बोला गया है, ये फ्यूज लैग क्या है, इसी को बोलते हैं पावर हाउस, इसी को बोलते हैं पावर हाउस, इसमें कॉकपिट, इंजन सारी बात करी जाती है, ठीक है सर। मैंने बोला ये देखो जरा यहां पे नीचे टायर्स बताए गए हैं, मैंने बोला ये टायर्स बताए गए हैं, इनको बोला गया है लैंडिंग गियर्स, ठीक है, इनको बोला गया है यहां पर लैंडिंग गियर्स, ठीक है सर। मैंने बोला एलिवेटर्स कॉमन है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, एलिवेटर्स कलर डिफाइन किया गया है, यहां पे कलर डिफाइन किया गया है, तो इन कलर्स पे बात कर रहे हैं। तो ये जो आपको ब्लू कलर के दिखते हैं, ये जो ब्लू कलर के दिखते हैं, ये ऊपर और नीचे हो सकते हैं, इनको बोला गया एलिवेटर्स। ये जो टेल में है आपके पास, ये टेल वाला भी साइडवर्ड्स मूव कर सकता है, इसको बोला गया रूडर्स, जो साइडवर्ड्स मूव कर सकता है टेल में, और ये एलिवेटर्स फ्लैप कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये एलिवेटर्स हैं, ये रूडर्स हैं, ये रूडर्स हैं, ठीक है। और यहां पे बोला गया ये एलोरेंस को, जो मैंने आपको बताया, अरे यार हाँ, तो ये जो एलोरेंस बताया मैंने आपको, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये भी फ्लैप ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे ऐसा बताता हूं, ये अगर विंग है तो ये ऐसा ऐसा हो सकता है, ऊपर नीचे होता है। और जब आप कभी भी फर्स्ट टाइम अपने प्लेन में बैठोगे तो देखना खिड़की से बाहर, अगर आप विंग के पास बैठे हो तो वो ऊपर और नीचे होता है, डिपेंडेंट ऑन दी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो मैंने आपको तीन यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए हैं, तीन यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए, एलोरेंस, रूडर्स एंड एलिवेटर्स, ठीक है। एलिवेटर्स के लिए बोला है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स होते हैं एलिवेटर्स, और रूडर्स के लिए बोला जाता है वर्टिकल स्टेबलाइजर्स होते हैं।
रूडर्स के लिए बोला गया ये वर्टिकल स्टेबलाइजर्स होते हैं, और एलिवेटर्स के लिए बोला गया ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स होते हैं। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक सारी बातें क्लियर है तो अब मैं आपको बताता हूं, पहले विंग्स के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम रूडर्स वूडर्स देख रहे हैं, तो रूडर्स एलिवेटर और एलोरेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सिर्फ एलोरेंस ऊपर नीचे होता है या पूरा विंग? सिर्फ एलोरेंस होता है, सिर्फ एलोरेंस होता है, विंग स्टेबल रहता है, यह एलोरेंस ऊपर नीचे होता है। ठीक है, यह एलोरेंस ऊपर नीचे होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये विंग है, मान लो ये विंग है, तो विंग के कॉर्नर पे ये विंग है अगर, तो विंग के एंड पे जो एलोरेंस रहते हैं वो कैसे मूव हो रहे होंगे? देखो, जैसे ये मैंने बोला कि ये आपका विंग है, तो विंग के एंड पे ये दिख रहा है आपको, मुड़ा हुआ दिख रहा है, इसको हम बोल रहे हैं कि ये फ्लैप जो है ये ऊपर और नीचे, एंड वाला पोर्शन, ये विंग स्टेबल रहता है और ये वाला पोर्शन ऊपर और नीचे मूव करता है। ठीक है, ठीक सर, चलिए आइए और बात करते हैं थोड़ी सी, चलिए आइए थोड़ी सी और बात करते हैं। तो मैंने बोला ये तो समझ में आया, मैं यहां पे प्रिंसिपल कंट्रोल्स की बात कर रहा हूं आपसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है, आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं यहां पे, वो ये है कि यहां पे देर आर थ्री एक्सेस अबाउट विच एन एयरक्राफ्ट में मूव, तीन एक्सेस होती है जिसके अबाउट एयरक्राफ्ट आपका अनस्टेबल हो सकता है, और उसको स्टेबल करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, उसको स्टेबल करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, तो मैंने बोला पहला कौन सा होता है? एलिवेटर्स होता है। मैंने बोला पहला क्या होता है? एलिवेटर्स होता है। तो एलिवेटर क्या बोला है? कंट्रोल द पिचिंग मूवमेंट। बहुत ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है अपने लिए, इसको स्टार मार्क डाल के, नोट डाल के आप अपने पास लिखोगे। एलिवेटर क्या करता है? एलिवेटर पिचिंग को कंट्रोल करता है, पिचिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है सर, रूडर क्या करता है? रूडर टर्निंग को और योइंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है, रूडर टर्निंग को और योइंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एलोरेंस क्या करता है? रोलिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो हमारा प्लेन तीन तरीके से मूव कर सकता है, तीन तरीके से अनस्टेबल हो सकता है, पिचिंग में, योइंग में और रोलिंग में, पिचिंग में, योइंग में और रोलिंग में। तो इन तीनों मूवमेंट को हमको स्टेबल करना है, इन तीनों मूवमेंट में हमको स्टेबल होना है। अब देखते हैं कि ये मूवमेंट कैसे हो रहा होगा। तो मैंने बोला ये देखो, ये एयरक्राफ्ट है आपके पास, मैंने बोला इस एयरक्राफ्ट को देखो, इस एयरक्राफ्ट में जब हम एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। मैंने बोला ये कौन है? ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो आपको यहां दिख रही है, ये दिख रही है रोलिंग एक्सिस, ये एक हॉरिजॉन्टल, सॉरी मैंने बोला ये आपको एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहां पे दिख रही है जो प्लेन के हॉरिजॉन्टली ऐसे प्लेन के अंदर से गई हुई है, दिख रही है ये एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, 3D में फिगर दिखा रहा हूं। हां वही बता रहा हूं, योइंग क्या है, 3D में फिगर दिखा रहा हूं। तो मैंने बोला ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जब आपका प्लेन मूव करता है तो उसको रोलिंग बोलते हैं। मान लो ये मेरा प्लेन है, ये हाथ मेरा प्लेन है, एरोप्लेन है ना, एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपके सामने, ये नोज है एयरक्राफ्ट की जो आपकी साइड आ रही है, ये एयरक्राफ्ट की नोज है जो आपकी साइड आ रही है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जब मूवमेंट होगा, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जब मूवमेंट होगा, तो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मूवमेंट कैसा हो सकता है? या तो ये प्लेन ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, बोलो। हाँ, ये प्लेन या तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मैंने बोला ये जो मूवमेंट है, रोल हो जा रहा है प्लेन, प्लेन जब रोल हो जा रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग रोलिंग एक्सिस, उसको बोल रहे हैं रोलिंग एक्सिस। समझ में आया ये बात? उसको हम बोल रहे हैं रोलिंग एक्सिस। ठीक है सर, अगर आपको यह समझ में आ रहा है कि हम इसको रोलिंग एक्सिस बोल रहे हैं, तो रोलिंग को कौन कंट्रोल करता है? तो देखो जरा यहां पे एलोरेंस आर दी कंपोनेंट जो रोलिंग को मेंटेन करते हैं। रोलिंग कहां था? एलोरेंस कहां थे? विंग्स के ऊपर। तो वो विंग्स के ऊपर मूव करके आपके रोलिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। समझ में आई ये बात? बोलो हां। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है कि एलोरेंस जो रहते हैं वो रोलिंग मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं कि आपका प्लेन ऐसे साइडवर्ड्स रोल ना हो, कि आपका प्लेन साइडवर्ड्स रोल ना हो। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? कम ऑन गाइस, थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन एवरीवन, गिव मी अ थम्स अप अगर आपको हर बात ये बात समझ में आ गई है तो।
जल्दी से बताएंगे। आ गई बात समझ में? बहुत शानदार। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है जल्दी से बताओ। कम ऑन एवरीवन, वेटिंग फॉर यू। जल्दी से बताएंगे, क्या यह बात समझ में आई है सबको? बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, ठीक है, यस, अंडरस्टूड है। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट। अगर ये बात समझ में आई है, अगर ये बात समझ में आई है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो, एक पहली और दूसरी और आखिरी बात बता रहा हूं। अगर मैं पूछ रहा हूं कि समझ में आया है तो यू गाइस हैव टू आंसर कि हाँ सर समझ में आया है, वरना फिर इंटरैक्टिव क्लास नहीं होगी। मैं बताना चालू करूंगा अपने हिसाब से तो फिर खत्म कर दूंगा बता के, है ना? तो मेक इट इंटरैक्टिव क्लास, ठीक है? नहीं दिख पा रहे हो आप, कोई बात नहीं, मैं दिख रहा हूं ना आपको, मैं दिख रहा हूं ना, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझा? चलो आओ और थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने बोला ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो रोल करा रहे जिस एक्सिस के अबाउट मेरे प्लेन को, उसको कौन मेजर कर रहा है? उसको एलोरेंस मेजर कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने बोला अगर मैं नेक्स्ट यहां पे बात करता हूं तो ये लीजिए नेक्स्ट एक्सिस। ये जो एक्सिस है जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जेड एक्सिस मतलब ये प्लेन था आपका, बोलो हाँ। मैंने बोला ये परपेंडिकुलर, इधर से मैंने बीच में से होल कर दिया और एक एक्सिस बना दी, एक परपेंडिकुलर होल कर दिया और एक एक्सिस बना दी, एक एक्सिस बना दी। इस एक्सिस के अबाउट अगर प्लेन रोटेट होगा, इस एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट होगा, तो मान लो ये जो मेरी वॉच है ये एक्सिस है आपकी, और इसके अबाउट जब प्लेन रोटेट होगा तो कैसे रोटेट होगा, इसके अबाउट जब प्लेन रोटेट होगा तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट जब आपका प्लेन रोटेट होगा तो वो ऐसे रोटेट होगा, ठीक है? तो वो ऐसे रोटेट होगा जैसे कि हम फोन में देखते हैं कि ये आपका एयरक्राफ्ट है और ये बीच में से होल है। अब आपका जो है एयरक्राफ्ट वो कैसे रोटेट हो सकता है, ऐसे रोटेट हो सकता है। तो ये अपना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को लूज कर रहा है, ये आपके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को लूज कर रहा है। तो मैंने बोला अगर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को लूज कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, यॉइंग हो रही है। और यॉइंग को कौन रोकता है, रूडर्स रोकते हैं। यॉइंग को कौन रोकता है, रूडर्स रोकते हैं। और रूडर्स आपको कहां दिख रहे हैं, ये रहे रूडर्स। तो ये जो एक्सिस है इस प्लेन में, अगर ये एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस और इसके अबाउट अगर प्लेन रोटेट होने लग गया है, इसके अबाउट प्लेन रोटेट होने लग गया है, तो रूडर्स विल हेल्प यू टू स्टॉप द यॉइंग, ठीक है? तो यॉइंग कौन से मूवमेंट है, जेड एक्सिस के अबाउट जो भी आपका मूवमेंट होता है वो होता है यॉइंग प्रोसेस। और यॉइंग को कौन रोक रहा है, यॉइंग को आपका रूडर्स रोक रहा है। यॉइंग को कौन रोक रहा है, रूडर्स रोक रहा है। और थर्ड जो एक्सिस है उसको बोलते हैं हम पिचिंग। ये जो थर्ड एक्सिस है, ये अगर एयरक्राफ्ट था तो यहां से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपको दिख रही है वो है पिचिंग लाइन। ये जो लाइन है वो है पिचिंग लाइन, और इसके अबाउट प्लेन रोटेट होगा। इसके अबाउट प्लेन रोटेट होगा जब, तो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट जब प्लेन रोटेट होगा तो उसको कौन रोक रहा होगा, बोला एलिवेटर्स रोक रहे होंगे। तो ये काम है एलिवेटर्स का। तो देखो जरा यहां पे, ये एलिवेटर्स अगर इस एक्सिस, ये जो विंग्स आपको दिख रहे, इस एक्सिस के अबाउट अगर जब आपका प्लेन रोटेट होने लग जाता है तो उसको कौन रोकता है, एलिवेटर्स रोकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सर इन एक्सिस से तो नहीं समझ में आया, कोई दूसरी बात तरीका सा बताओगे? मैंने बोला ये लो दूसरा तरीका, देखो ये देखो आप प्लेन को, अब देख पा रहे हो प्लेन को, अब देख पा रहे हो? तो मैंने बोला ये जो वर्टिकल एक्सिस प्लेन के अंदर से घुसा दिया एक हमने सरिया, और इसके अबाउट जब प्लेन रोटेट होगा, इसके अबाउट जब प्लेन रोटेट होगा तो उसको यॉइंग बोलेंगे। और इस यॉइंग को कौन रोक रहा होगा, रूडर्स रोक रहे होंगे। इस यॉइंग को कौन रोक रहा होगा, रूडर्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। सिमिलरली इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रोलिंग की बात कर रहे हैं, इस रोलिंग के अबाउट जब ये प्लेन यहां पे रोटेट हो रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट जब प्लेन रोटेट हो रहा होगा तो उसको कौन रोक रहा होगा, तो आपने बोला इसको हमारे जो फ्लैप पे एरोलिन्स जो रहते हैं वो रोक रहे होंगे। और सिमिलरली ये जो लेटरल एक्सिस है, इसके अबाउट जब प्लेन आड़ा टेढ़ा होता है तो इसको कौन रोक रहा होगा, तो इसको हमारा पिचिंग, पिचिंग बोल रहे हैं। पिचिंग के अबाउट अप डाउन मूवमेंट करेगा, नहीं साइडवर्ड्स मूवमेंट करता है ना? ऐसा मान लो कि ये अगर एरोप्लेन है तो एक फ्लैप नीचे जा रहा है, एक एक मतलब ये अगर विंग है तो एक विंग नीचे चला गया, एक विंग ऊपर चला गया, तो विंग के अकॉर्डिंग ये विंग जैसा रोटेट कर रहा है ना? ये मान लो एक विंग का कॉर्नर ये, एक विंग ये है, तो उसके अबाउट रोटेट कर रहा है, उसको पिचिंग बोलते हैं हम लोग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिचिंग बोलते हैं। ये देखो यहां पर मैंने आप लोगों को तीनों बातों को एक ही तरीके पे एक ही जगह लिख के बताया है, ठीक है? ये तीनों बातों को एक ही जगह पे लिख के बताया है।
कि प्राइमरी कंट्रोल एलोरेन्स क्या करते हैं, एरोप्लेन के रोलिंग मूवमेंट को रोकते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन लॉन्गिट्यूडनल होता है, टाइप ऑफ स्टेबिलिटी लेटरल होती है। ये एग्जैक्ट चीज पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में, ये एग्जैक्ट चीज पूछी जाएगी, ठीक है, ये एग्जैक्ट चीज पूछी जाएगी। हाँ, इसका शेयर कर दूंगा भाई पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं। ये एग्जैक्ट चीज पूछी जाएगी एग्जाम्स में कि एलिवेटर क्या करते हैं, तो ये पिचिंग को रोकते हैं, लेटरल स्टेबिलिटी की बात, लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी बात करते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन लेटरल होता है, ये बातें पूछी जाएगी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यही बातें थी जो आज मैं आप लोगों से करना चाहता था। अब आपको यह समझ में आ गया है कि आपका प्लेन कैसे कैसे रोटेट हो सकता है और आप कैसे कैसे उसको स्टेबल रख सकते हो, आप कैसे कैसे उसको स्टेबल रख सकते हो। क्लियर है? तो बताओ जरा, मजा आया एयरपोर्ट पढ़ने में? मजा आया। ठीक है, दूसरी बात यह कि यहां पर देखोगे, अगर आप फाउंडेशन बैच, जो लोग भी अभी कुछ कुछ एक दो स्टूडेंट पूछ रहे थे, कर रहा, ठीक है, बहुत परफेक्ट, ठीक है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि फाउंडेशन बैच, तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप इनमें से जो भी प्लान आउट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब अपने आपको रजिस्टर करने के लिए, व्हाट यू हैव टू यूज द कोड Y500 टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, ठीक है। अपने आपको रजिस्टर करने के लिए जो आपको कोड यूज करना है, वो Y500 यूज करना है ना। कैसे जाओगे वहां तक कैसे जाओगे अपने आपको रजिस्टर करने के लिए, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। क्या हो गया भाई ये? ठीक है ना, तो वहां तक कैसे जाओगे तो बता देता हूं। अरे हाँ, ये अड्डा 24/7 के ऐप पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे ऑल कोर्सेस में गेट एंड ईएससी, गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो लोग 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए अभी भी क्रैश कोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने आपको क्रैश कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो, और या फिर आपको यहाँ पे फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा, तो आप फाउंडेशन बैच में भी खुद को रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा 13,99, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने आपको पता नहीं क्या हो गया, छोड़ो। तो आप अपने आपको रजिस्टर कर सकते हो यूजिंग द कोड Y500 यहाँ पे जाके, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो कोड अप्लाई करोगे वो Y500 करोगे, एंड यू विल बी अंडर माय गाइडेंस थ्रू आउट द जर्नी व्हाइल प्रिपरेशन, ठीक है। मजा आ गया सर, स्क्रीनशॉट प्रीवियस फिगर का अडग एडवाइटर नीचे आ रहा था, प्रॉपर स्क्रीनशॉट नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, आई विल शेयर द पीडीएफ, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ, बस कर रहा, मजा आया सबको, ठीक है। मिर्जा बेग यार, 4999 आया होगा कभी, मेरे को नहीं पता अब क्या प्राइस चल रहा होगा। अगर 4999 चाहिए तो वेट करो, शायद आ जाए, शायद नहीं आया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जो भी है अभी तो यही है, 13,999 है, लेकिन ये नहीं है एग्जैक्ट प्राइस, 11,000 समथिंग है, एक नंबर, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल 10 बजे, ठीक है, मिस मत करना। और जब भी आपको सेशन दिखेगा तो आपको क्या करना है, उसको जाके लाइक कर देना है, ठीक है। और अगर हो सके तो अपने अपने स्टेटस पे लगाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप पूरा इंडिया पढ़ रहा होगा ना एयरपोर्ट, जिससे आपने पढ़ा है उसी से पढ़ रहा होगा, तो यू गाइस विल टेल एवरीवन कि यार एयरपोर्ट कहां से पढ़ना है, रेलवे कहां से पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन कहां से पढ़ना है। तो जब ये बात पता चलेगी ना लोगों को, दिस वुड बी दी थिंग यू कैन डू फॉर मी, इफ आई एम गिविंग यू द कंटेंट, आई जस्ट वॉन्ट दिस फ्रॉम यू, ठीक है। इतना कर सकते हैं, यस, रेलवे भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, मिलते हैं आप लोगों से कल 10 बजे।